आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बेटी की शादी करना एक बहुत मुश्किल का काम होता है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आप अधिकतम दो बेटी के लिए आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रति बेटी आपको 55,000 रुपए तक अनुदान की राशि दी जा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ पूरे डिटेल में, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं शादी अनुदान योजना की। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और आपको सर्च करना है शादी अनुदान। कुछ इस प्रकार से आप गूगल पर लिखेंगे शादी अनुदान। जैसे ही आप शादी अनुदान लिखेंगे बहुत सारे रिजल्ट आपके सामने आएंगे। यहाँ पर आपके सामने एक रिजल्ट आएगा शादी अनुदान योजना विवाह अनुदान, और ये जो है सरकारीयोजना.com के द्वारा दी गई है। ध्यान से URL देखिएगा, इसी वेबसाइट पर आपको जाना है। इसे आप सिंपली ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ढूंढने में समस्या होती है तो आप गूगल पर सिंपली सर्च करेंगे सरकारी योजना। जैसे ही आप गूगल पे सरकारी योजना सर्च करेंगे बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कहीं पर भी सरकारी योजना दिख जाएगा। URL देख लीजिएगा और इसको आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इस सर्च बॉक्स में आपको शादी अनुदान लिख देना है, और जैसे ही आप शादी अनुदान लिख कर सर्च करेंगे आपको शादी अनुदान रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा शादी अनुदान के बारे में। तो ये तो था हमारे UP के लिए। और भी स्टेट हैं जिसके लिए शादी अनुदान चलाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप उसका प्रोसेस देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो इस योजना के तहत आपकी बालिका को शादी के लिए 55,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके लिए हम पात्रता की बात करते हैं, तो पात्रता के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कुछ एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि आप जो है उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी होने चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी वार्षिक आय जो है 46,800 रुपये, और अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो 56,400 रुपये तक अधिकतम होनी चाहिए, और आप जो है गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति होने चाहिए। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो आपके पास जो है आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, शादी का कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ये सभी रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स आप पूरा करते हैं तब आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो है ये जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप जो है शादी अनुदान UP sdc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप जो है शासनादेश देख सकते हैं, आवेदन पत्र के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देख सकते हैं, संपर्क सूत्र देख सकते हैं। आवेदन जो है अलग अलग चरणों के लिए होता है, सामान्य, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए होता है और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए होता है। तो आप अगर सामान्य अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो पहला लिंक, अगर आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो दूसरा, अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो तीसरा लिंक पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से आवेदन कर रखा है और संशोधन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर आप आवेदन पत्र के फाइनल प्रिंट को फिर से प्रिंट करना चाहते हैं, रिप्रिंट करना चाहते हैं, तो इस लिंक पर। इसी प्रकार से अलग अलग जाति के लिए संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आवेदन की, तो सिंपली आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना और उसके आगे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जो है पुत्री की शादी की तिथि सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरी पुत्री की जो शादी है वो 28 फरवरी या 25 फरवरी को है, 25 फरवरी 2021। तो मैं यहाँ पर डेट को सेलेक्ट करूंगा। अब सबसे पहले आपको अपना जनपद सेलेक्ट करना है। अब आप शहरी क्षेत्र से आवेदन करना चाहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से, तो जो भी आप हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र पर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट करना है, विकास खंड आप अपना सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होगा। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ग्राम सेलेक्ट करना है, पूर्व अस्थायी पता आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना स्थायी पता लिख देता हूँ और आपको अपना पिन कोड लिख देना है। ध्यान दीजिएगा कि जब आप आवेदन करेंगे सभी जानकारी आपको सही सही दर्ज करनी होगी, कोई भी जानकारी आप गलत नहीं दर्ज करिएगा। अब यहाँ पर आवेदक का फोटो अपलोड करना है और पुत्री का फोटो अपलोड करना है। मान लेते हैं कि अगर आप पिता हैं, आवेदन कर रहे हैं,
या अगर आप गार्जियन हैं तो आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे और पुत्री जिसकी शादी के लिए आप अनुदान चाहते हैं उसका फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो मैं जो है आवेदक का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। चूंकि मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जो है कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट या कोई सा भी फोटो अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पर पुत्री का फोटो मैं अपलोड कर देता हूँ सिंपली, और इसके बाद यहाँ पर जो है आपको आवेदक का नाम, यानी अगर आप पिता होकर आवेदन कर रहे हैं तो आप अपना नाम डालेंगे और यहाँ पर पुत्री का नाम आप डालेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नाम अपना डाल देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर जो है हमें पुत्री का नाम डाल देना है जिसके लिए मैं आवेदन करना चाह रहा हूँ। इसके बाद आप धर्म सेलेक्ट करेंगे कि आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है या सामान्य वर्ग है। जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे और पहचान पत्र आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर जो है पहचान पत्र PDF में होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो है PDF फॉर्मेट का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, यानी अपना पहचान पत्र अपलोड करना होगा। मेरे केस में मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जो है कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है आवेदक के पिता का नाम, तो आवेदक जो है जैसे कि मैं अमर कुमार अपनी पुत्री के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो मेरे पिता का जो नाम है वो यहाँ पर मैं डालूंगा। और पिता का नाम डालने के बाद यहाँ पर जो है आवेदक का लिंग आपको सेलेक्ट करना है और पुत्री का नाम जो है जिसको मैंने डेमो माना था यहाँ पर आप अपनी पुत्री का नाम डालेंगे जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यदि आवेदक विधवा या विकलांग है, तो यहाँ पर अगर आप विधवा हैं, विकलांग है या इनमें से कोई नहीं है तो आप उसका सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपकी जो है पुत्री के साथ आवेदक का संबंध, तो आप आवेदन कर रहे हैं अपनी पुत्री के लिए तो यहाँ पर आप जो है फादर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ईमेल आईडी दर्ज करना है, और यहाँ पर अगर आप अपनी दूसरी पुत्री के लिए आवेदन कर रहे हैं इस योजना के तहत, विवाह अनुदान योजना के तहत आप मैक्सिमम दो पुत्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप पहली पुत्री के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो करना है, अगर आप दूसरी पुत्री के लिए कर रहे हैं तो आपको यस करना है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैं पहली पुत्री के लिए कर रहा हूँ तो नो पे मैं क्लिक करूंगा। अब वर का नाम यहाँ पर देना है, यानी जिस व्यक्ति से, जिस पुरुष से आपकी पुत्री की शादी हो रही है उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे और वर का पूरा पता आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो है पुत्री की जन्म तिथि क्या है, तो आप अगर मान लेते हैं आज की तिथि में आवेदन कर रहे हैं तो आपकी पुत्री की आयु जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है एक डेमो आईडी डेमो ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और पुत्री की आयु जो है कितनी हो जाती है तो 1999 से अप्रोक्स 22 साल आ जाती है। अब पुत्री का जो है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है PDF के फॉर्मेट में, और यहाँ पर आपको शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र में या तो आप शादी का कार्ड या शादी का प्रमाण अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर शादी का कार्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। वर की आयु कितनी है, तो वर की आयु यहाँ पर जो भी होगी वो आप डाल देंगे, और शादी के प्रमाण पत्र यानी कार्ड को आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो कार्ड का जो स्कैन है वो आप PDF फॉर्मेट में रखेंगे, अगर आपके फोन में PDF कन्वर्टर नहीं है तो आप Adobe का PDF स्कैनर इंस्टॉल कर सकते हैं। वार्षिक आय का विवरण कितना है वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी वार्षिक आय जो है वो अप्रोक्स 46,000 होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो है 46,000 से अंडर ही डालता हूँ क्योंकि मैं जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 40,000 डाल देता हूँ, और आय प्रमाण पत्र संख्या जो आपको मिला है ब्लॉक से वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है आय प्रमाण पत्र संख्या डालना है और आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आय प्रमाण पत्र का आपको जो है यहाँ पर अपलोड कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो जिस भी बैंक में आप अनुदान की राशि चाहते हैं उस बैंक को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ स्टेट बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर जो है स्टेट बैंक का अपना सिटी शाखा सेलेक्ट करना है और बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट पासबुक को अपलोड कर देना होगा। बैंक अकाउंट पासबुक के जो फॉर्मेट होगी वो PDF में होगी, उसे आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अब जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कर दीजिए और इस एप्लीकेशन को आप सेव कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं, और जब आप सेव करेंगे आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सिंपली आप इसे प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा ये आपके सामने खुलकर आ जाएगी,
और यहाँ पर आपको जो है इसे प्रिंट करके रख लेना है। यहाँ पर आप इसे जो है सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और इसको मैं जो नाम दे देता हूँ एक डेमो फॉर्म, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बस आपको बताया है कि आप कैसे इसे प्रिंट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन को फाइनल सबमिट करने के उपरांत आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न वक्षित प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि वीडियो कार्यालय में 21 दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा 21 दिन के बाद यह आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। तो क्या समझे आप, ये जो आवेदन पत्र हमने अभी डाउनलोड किया है, ठीक है, इसको हम जो है अपने ब्लॉक में जाएंगे और वीडियो कार्यालय में जमा कर देंगे। वीडियो कार्यालय में जमा होने के बाद वीडियो के द्वारा यहाँ पर साइन मोहर किया जाएगा और हमारे आवेदन को एक्सेप्ट किया जाएगा। आवेदन एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पर जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिली थी, उस रजिस्ट्रेशन नंबर की बदौलत हम अपने आवेदन की स्थिति को जाँच पाएंगे और हम देख पाएंगे कि हमारा एप्लीकेशन क्या हुआ है, ठीक है। तो आवेदन पत्र की स्थिति जांचने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, आपको अपना जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है, आप जो आवेदन की स्थिति को जांच पाएंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसके जो हार्ड कॉपी है यानी ये वाला जो फॉर्मेट है इसको प्रिंट करके अपने ब्लॉक में वीडियो कार्यालय में जमा करना है। वीडियो कार्यालय में जमा करने के बाद आपको जो है इसका पैसा आएगा और सभी संबंधित जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर सभी संबंधित जानकारी आपको ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। अब बात करते हैं आवेदन हो जाने के बाद स्टेटस चेक करने की, तो स्टेटस चेक करने की बातें बताई गई है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो है सरकारीयोजना.com पर दी गई है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं अगर आपको कोई समस्या आती है तो, अगर आप सामान्य अनुसूचित जाति से हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही प्रोसेस है विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको शादी विवाह अनुदान योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है, मैंने आपको ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस भी बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों आप इस वीडियो को ऐसे गरीब लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनके घर में बेटी है और उनकी शादी की उम्र हो चली है। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा। और दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल टिक गुप्ता पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिसका इंस्ट्रक्शन आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।